और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है, क्योंकि लोगों ने, कह रहा कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसी समय कह रहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे आप, देखेंगे आने वाले समय में कि साइंस ऐसी बात की खोज करेगी। एलन मस्क अब लोगों के दिमाग में चिप लगाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल एलन मस्क की एक और कंपनी है न्यूरालिंक, जो कई दिनों से चर्चाओं में है। इसकी वजह कंपनी का बनाया एक चिप है जो लोगों के दिमाग में लगाया जा सकेगा। इस चिप से इंसानों की डिसेबिलिटी को दूर करने में मदद मिलेगी। एलन मस्क की कंपनी काफी लंबे समय से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आपको न्यूज में सुनने मिलेगा कि वो डॉक्टर पर केस कर दो, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर करेक्ट। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड माइक्रोचिप है, दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड और रीड कर सकती है। चिप से लोगों की डिसेबिलिटी दूर करने में मदद मिलेगी। पैरालाइज्ड शख्स दिमाग का इस्तेमाल कर स्मार्टफोन यूज कर सकेगा। यूजर्स पहले से ज्यादा तेज फोन यूज कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कंपनी की माने तो ये चिप आपके दिमाग में आने वाले विचारों को भी पढ़ सकती है। यहाँ तक कि जिसके दिमाग में ये चिप लगी होगी वो शख्स बिना कुछ बोले मशीनों से बातचीत भी कर सकेगा। इसके बारे में बताते हुए एलन मस्क ने कहा कि हम इसे लेकर बेहद सावधान रहना चाहते हैं, और ये भी कि किसी इंसान के दिमाग में लगाए जाने से पहले ये ठीक तरह से काम करे। अगले 6 महीने में हम किसी इंसान के दिमाग में न्यूरालिंक इंस्टॉल कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि सबसे पहले ये चिप किसके दिमाग में लगेगी। तो आपको बता दें कि एलन मस्क ने खुद इसे अपने दिमाग में लगवाने की दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक राइटर ने ट्वीट किया था कि क्या एलन मस्क अपने दिमाग में ये चिप लगवाएंगे, जिसके जवाब में एलन मस्क ने लिखा हाँ। अब अगर भक्ति करने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, जहां पर भी आप जाते हैं आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हाथ उठाएं और परमेश्वर आपके देशों में सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फिर से कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से कहता हूँ, आत्मा खरा है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया। आप सुनेंगे न्यूज में कि 2 जगह पर ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटरी से उतर जाएंगी। आप इंडिया में भी सुनेंगे, फॉरेन में भी सुनेंगे, और जनवरी के महीने में आप भूकंप को देखेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स कई जगह पर, कई देशों में आपको सुनाई देगी कि अचानक से बड़ी सुनामी लहर आई और आसपास की छतें उड़ गई, प्रॉब्लम्स आ गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया 2023 में कि आप लोग प्रार्थना करें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके जन जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर उनके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे 2 देश, एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, 2 देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मेरे भाई और मेरे बहनों जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं जो नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर उनको विश्वास करना पड़ता है जब उनके ऊपर पड़ती है, जब उनके ऊपर वो चीज़ आती है तो उन्हें फिर ईश्वर याद आता है। स्वयं ईश्वर हमें ये चीज़ याद दिलाता है हमारे वर्डों के द्वारा, वचन के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा, कि जब हमारे प्रॉफिट या हमारे ही पास्टर्स जब हमें बाइबल से समझाते हैं और हमें भविष्यवाणियाँ सुनाते हैं तो हम उन पर यकीन नहीं करते। हम यकीन करते जब है जब वो चीज़ हमारे साथ बीतती है। तो आज देख रहे हो आप चारों तरफ कैसा माहौल है, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ और बहुत गंदा माहौल हो चुका है कि कहीं पॉलिटिक्स बहुत हाई है, कहीं बीमारियां बहुत ऐसी हो चुकी है जिनके कोई इलाज नहीं हो पा रहे, कहीं भुखमरी ऐसी फैल गई है, कहीं ऐसे रोग आ गए हैं जिनका आज साइंस भी इलाज नहीं ढूँढ पा रही। परंतु ये सब क्यों हो रहा है, ये सब आपको मालूम है क्यों हो रहा है? अगर आप समझेंगे कि हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के गुनहगार हैं, क्योंकि हमने
उसके बिना बताए बहुत से पाप किए। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पर उस पर चलते नहीं। हम वचन सुनते हैं पर वचन बोलते नहीं। हम जो चीज़ हमें मना की जाती है हम उस पर अमल कर लेते हैं, और कोई मनुष्य हमें डराता है तो हम डर जाते हैं, और हम डर के गुनहगार बन जाते हैं, पाप के भोगी बन जाते हैं, जबकि प्रभु हमारे लिए चारों तरफ फिरता रहता है हमें बचाने के लिए। वो हर एक जन से प्रेम करता है, हर एक जन से। ऐसा नहीं उसके लिए कि कोई पापी है, कोई पुण्य है, या कोई जात धर्म कोई। वो एक चींटी के लिए भी और एक मनुष्य के लिए भी समान प्रेम रखता है, जो उसे मानता है, जो उसे कबूल करता है, जो उसको जानता है। परंतु हम जान के अनजान बन जाते हैं। हमारी मूर्खता ये है कि हम प्रभु की बातों को, बाइबल की बातों को, हम उसे सुने और समझें और उस पर यकीन करें, और अपने भाइयों पर उस चीज़ को हम बताएं। हम ऐसा ना करें कि वो चीज़ को हम अपने अंदर रख लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई गुनहगार बच सके। क्योंकि जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ रहे थे, उनके पास में एक ऐसे ही गुनहगार था, परंतु उसने प्रभु को जान लिया था और उसने तौबा की, उसने माफ़ी मांगी, और प्रभु ने उसी वक्त उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठेगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपके पास बहुत मौका है, बहुत अवसर है, परंतु प्रभु आपको इतना दयावंत नहीं मिलेगा। आपका पिता, आपकी माता, आपके भाई भी आपको माफ़ नहीं करते, आपका पड़ोसी आपको माफ़ नहीं करता, परंतु प्रभु पल भर में आपको माफ़ करने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आज भटक रहे हो आप कि मुझे ये नहीं मिल पा रही, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो पा रही, मेरे हालात ठीक नहीं हो पा रहे, मेरी बीमारियाँ, मैं लड़ लड़ के हार चुका हूँ, मैं कर्जों में डूब चुका हूँ, इन सब का सिर्फ एक ही कारण है कि हम इस कान से सुन रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं। ये हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा, मान के धारना पड़ेगा और उस वचन पे चलना भी पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आए थे और आज भी जीवित है। आप यकीन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस, और प्भु के नाम की महिमा करें और सपोर्ट करें, चाहे वो पापी हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे कोई भी हो, अच्छे कामों के लिए उसे आगे लेके आए, किसी को देख के मुँह ना फेरे। हमसे जो हो सकता है, जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि उसने अपना आंगन भी दे दिया, उसने अपने कपड़े भी लास्ट टाइम तक दे दिए थे, तो हम क्यों पीछे हटें। विश्वास करें, आपका जीवन बदलने के लिए प्रभु बैठा है। सब कुछ बदल जाएगा, और हर एक भविष्यवाणी जो आपके जीवन में हो रही है, जो आज चारों तरफ हो रही है, उस पर यकीन करें, क्योंकि प्रभु वचन से बोलता है और वचन ही प्रभु है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का रखें और अपने परिवार का रखें, और अपने हर एक जन का जो आपके सामने आता है, सबका ख्याल रखें, यीशु के नाम में।